देवर्षि नारद ने मुझे कहाँ भेज दिया? ऐसा दृश्य तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। ये जटाजूट धारी बैठे बैठे ही सो रहे हैं, या यही कैलाश है? कहीं ये कैलाशपति शिव तो नहीं? परंतु इनके पास तो बैठने के लिए आसन भी नहीं है और सोने के लिए शैया भी नहीं है। तुम दोनों विचित्र प्राणी कौन हो और तुम्हारे सिर पर ये पशुओं के समान सिंह क्यों निकले हैं? पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, और आते ही तुमने हमारे भोलेनाथ का अपमान क्यों किया? अपमान? कैसा अपमान? मैंने किसी का अपमान नहीं किया। ये बैठे सो रहे हैं तो इनसे बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता, और जब बात ही नहीं की तो अपमान कैसे हो गया? तुम मूर्ख नगरी के राजा मंदबुद्धि तो नहीं हो? भोलेनाथ बैठे बैठे सो नहीं रहे हैं, ध्यान में लीन है। कैलाश में जो भी व्यक्ति आता है वह सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी जय जयकार करता है, परंतु तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये भगवान शिव का अपमान नहीं तो और क्या है? देखो विचित्र प्राणी, मैं यहाँ श्री महागणेश के अवतार श्री गणेश के दर्शन करने आया हूँ। मुझे शिव के दर्शनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे विचित्र प्राणी कहकर बार बार मेरा अपमान क्यों कर रहे हो मूर्खराज? बिना भोलेनाथ को प्रणाम किए न श्री गणेश के न माता पार्वती के दर्शन होंगे। तुरंत भगवान शिव के प्रति सम्मान प्रकट करो, अन्यथा। अरे अरे, तुम दोनों तो रुष्ट हो गए। मैं तो ये कह रहा था कि मुझे श्री गणेश के दर्शन करने हैं। अगर तुम दोनों मुझे श्री गणेश के दर्शन करवा दो, मैं तुम दोनों को प्रसन्न कर दूंगा। श्री गणेश के दर्शन करवाने के लिए मैं तुम्हें यह मूल्यवान भेंट देना चाहता हूँ। धातु की इस मुद्रा में ना जाने क्या है, हर कोई फिसल जाता है। अब विलंब ना करो, मुझे शीघ्रता के साथ श्री गणेश के दर्शन करवा दो। दुष्ट मूर्ख, तू भगवान भोलेनाथ के गणों को मुद्रा का लोभ दिखाता है। ये देखो, हम मुद्रा के लोभी नहीं भक्ति के लोभी हैं। तुम जिसे अपनी उपलब्धि समझ रहे हो वो तुम्हारे अंत समय में काम नहीं आएगी, काम आएगी भक्ति। अभी भी समय है, भगवान शिव को प्रणाम करके अपना जीवन धन्य कर लो। जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मेरा उद्देश्य श्री गणेश के दर्शन करना है, मैं किसी और को नमन नहीं करूंगा। दूर हो जा मेरी दृष्टि से। भृंगी महाराज, हमें दृष्टि से दूर करने वाले को अब दंडित करना ही होगा। क्यों ना हम इसे संसार की दृष्टि से ही दूर कर दे नंदी महाराज? यही एकमात्र उपचार है इस भूत का। ठहर जाओ नंदी भृंगी। कैलाश पर पधारे अतिथि को इस प्रकार दंडित करना मर्यादा के विरुद्ध है। हे अत्यंत रूपवती सुंदरी, तुम कौन हो? इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने स्वर्ग से लेकर अलकापुरी में भी नहीं देखी। धन्य है देवर्षि जिन्होंने मुझे यहां भेज दिया, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाता। यहां आकर मैंने संसार के सर्वोत्तम सौंदर्य को देखा। हे स्त्री, तुम कौन हो बताओ? तुम कौन हो? मैं इतनी देर से तुम्हारे रूप की प्रशंसा कर रहा हूं और तुम मौन हो। तनिक अपने सलोने मुख से दो मधुर शब्द कहो। श्री गणेश, इस दुष्ट को समाप्त कर दीजिए। देख क्या रहे हैं? माता पार्वती पर खुद दृष्टि डालने वाला यह दुष्ट जीवित रहने के योग्य नहीं है। श्री गणेश। तो तुम हो श्री गणेश? नारद के कहने पर मैं तुम्हारे दर्शन करने आया था, पर तुम्हें दर्शन देने जैसे कोई बात ही नहीं है। तुम भी इन दोनों की भांति विचित्र लगते हो। नारद को तो मैंने क्षमा कर दिया क्योंकि उसके कारण ही मुझे ऐसा सौंदर्य देखने को मिला। श्री
मुझे क्षमा कर दे माता, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत भयानक भूल हो गई। जिन्हें माता का सम्मान देना चाहिए था मैंने उन पर कुदृष्टि डाली माता। यज्ञदत्त के पुत्र धन कुबेर, तुमने मुझे माता के रूप में आदर देकर कृपा तो प्राप्त कर ली, परंतु मेरी क्रोधाग्नि से तुम्हारी बाई आंख फूट गई। अब तुम एक ही नेत्र से संसार को देखो और स्वयं को शिव भक्ति में समर्पित कर दो। जो आज्ञा माता, मैं आजन शिव भक्ति में लीन रहूंगा। देवर्षि नारद के कहने पर तुम मेरे दर्शन करने के लिए आए थे, तुमने तो मेरे दर्शन ही नहीं किए। मेरी माता का हृदय बड़ा कोमल है, वे शीघ्र ही कृपा कर देती है, परंतु मैं तो तुम्हारी दुष्टता को अवश्य दंडित करूँगा। नहीं नहीं श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई। भूल यदि दंडित न हो तो वह सुधरती नहीं। अब मेरी भी एक समस्या है, जब मेरे हाथ में यह अंकुश होता है तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। पापी कुबेर, दुष्ट बयासुर, इस समय तुम दोनों कैलाश में थे, इसी कारण मैंने तुम्हें समाप्त नहीं किया, केवल दंडित किया है। क्योंकि गणेश कभी दुष्टता को दंडित करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। यदि तुम दोनों ने फिर से ऐसा दुसाहस किया तो तुम दोनों का अंत निश्चित है। श्री गणेश, माता ने तो उस दुष्ट को क्षमा कर ही दिया था। आपकी जय हो श्री गणेश। देवर्षि का परामर्श मानकर इंद्र के मित्र कुबेर कैलाश जाते हैं। देवी पार्वती के क्रोध से भयभीत कुबेर से भयासुर का जन्म होता है। श्री गणेश से दंडित कुबेर और भयासुर आकाश में लुढ़कते पुढ़कते चले जा रहे हैं। तेरे कारण मुझ भयासुर की ये भयानक दुर्दशा हुई। तू मेरे शरीर से ही जन्मा है और मुझे ही धमका रहा है। अरे मूर्खो, पहले ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र का मित्र धन कुबेर हूँ। तुम मेरे पुत्र इंद्र के मित्र हो, परंतु तुम्हारी ये दशा किसने की? मैं इस धन कुबेर के भयानक भय से जन्मा असुर राज भयासुर हूँ। एक शक्तिशाली असुर होते हुए भी तुमने दुष्ट इंद्र के मित्र कायर कुबेर को समाप्त क्यों नहीं कर दिया? असुर जाति में पुत्र पिता को दंडित तो करता है परंतु समाप्त नहीं करता। पुत्र, पिता, कौन किसका पुत्र? ये मेरे पिता हैं। मैं इनके भय से जन्मा हूँ परंतु अब मैं सारे संसार को भयभीत कर दूंगा। भयभीत कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। भयानक असुर राज भयासुर, तुम में भयानक और अपार शक्तियां छुपी हैं, क्योंकि तुम शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की क्रोध दृष्टि से जन्मे हो। भयासुर, तुम श्री गणेश के चमत्कारी अंकुश के प्रहार से भी जीवित बच गए, इसीलिए उन्हीं की आराधना करके तुम चमत्कारी शक्तियों का वरदान प्राप्त कर सकते हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श उचित है,
तुम शीघ्र ही परम देव श्री महागणेश की प्रार्थना आरंभ करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं, एक असुर श्री महागणेश की आराधना नहीं कर सकता। तुम भी तो आजकल महागणेश की आराधना कर रही हो दीदी। अदिति, मेरी तुलना एक असुर से ना करो। मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, ये तुम 7 जन्मों में भी नहीं समझ सकती। असुर, हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। दैत्यों, असुरों और राक्षसों के हित का चिंतन करना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए तुम इसी समय इसी आश्रम में बैठकर श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दो। श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें तीनों लोकों पर विजय का वरदान प्राप्त होगा। आपको देखते ही मेरे मन में स्नेह और आदर की लहरें उठ रही थी। आप मेरे गुरु, अब मैं आपकी आज्ञा मानकर इस आश्रम में श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करता हूँ। जय श्री महागणेश, जय दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मूर्ख असुर, मैं दैत्य माता दीति हूँ। इस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में ना आ, मेरी बात मान। मैं दैत्य माता की बात क्यों मानूं? मैं तो असुर हूँ, आपकी बहुत दैत्य मानेंगे। मूर्ख, इस संसार में जन्म लेने वाला हर दैत्य, दानव, राक्षस और असुर मेरा पुत्र है, मेरा। सुनो, ये तुम्हारी पत्नी है। मूर्खता में अपना समय व्यर्थ न करो भयासुर। तुम्हारी महागणेश आराधना में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु उन पर ध्यान न देते हुए तुम अपनी आराधना में तब तक लीन रहना जब तक कि तुम्हें वरदान न प्राप्त हो। जो आज्ञा देते गुरु, जो आज्ञा। धन कुबेर, स्वर्ग जाकर देवराज इंद्र को यह बता देना कि श्री महागणेश से वरदान प्राप्त करके भयासुर स्वर्ग पर अधिकार करने वाला है। इससे पहले इंद्र स्वर्ग छोड़कर निकल जाए। ऐसा अनर्थ ना करें दैत्य गुरु, मेरे इंद्र को स्वर्ग से वंचित ना करें। भविष्य में जो होने वाला है उसे शिव कृपा से हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। देवी अदिति, भयानक भयासुर स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए ही धन कुबेर के शरीर से जन्मा है। अपनी शपथ को भूलकर आप भयानक पाप कर रही हैं दैत्य माता। देवी अदिति, श्री महागणेश की कृपा उनकी आराधना करने वालों पर अवश्य होती है। आप भी अपने आराध्य श्री महागणेश की आराधना करें, हो सकता है कि वे आपके पुत्र की सुरक्षा का कोई उपाय आपको बता दें। ओम नमः शिवाय। ओम श्री महागणेशाय नमः। 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 ओम। अरे मूर्ख, श्री महागणेश दैत्यों और असुरों के शत्रु हैं। दैत्य शत्रु शुक्राचार्य ने तुम्हें भ्रमित किया है, मेरी बात मानो और परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना सहित प्रार्थना प्रारंभ करो। वो मेरे पितामह हैं, मैं उनसे तुम्हें मुंह मांगा वरदान दिलवाऊंगी। हाँ, मुंह मांगा वरदान दिलवाऊंगी। मैं वही करूंगा जो मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने करने को कहा है। यदि तुमने श्री महागणेश की आराधना में बाधा डाली तो तुम्हारे लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे परिणाम का भय दिखाता है। ओम श्री महागणेश। मैं तुझे महागणेश की आराधना नहीं करने दूंगी। उठ यहाँ से, उठ। हमारे इस पवित्र आश्रम में एक असुर की आराधना का क्या परिणाम होगा? आराधना से तो सुमंगल ही होता है देवी। परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखे देवी। तुमने मेरी मित्रता का अपमान किया है कुबेर, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आप मेरा विश्वास करें देवराज, मैंने अपनी इच्छा से भयानक भयासुर को प्रकट नहीं किया। तुम्हारी मूर्खता के कारण देवी देवी पार्वती क्रोधित हो गईं। तुम्हारी मूर्खता के कारण भयासुर का जन्म हुआ है। अब
अब वो श्री महागणेश की आराधना करने लगा है। तुमने मित्र की पीठ में खंजर भोका है कुबेर, तुम्हारे ही कारण आज स्वर्ग पर संकट उत्पन्न हुआ है, किंतु हम हर संकट से जूझना जानते हैं। यदि भलाई चाहते हो तो जैसे आए थे वैसे स्वर्ग से लौट जाओ। आज के बाद हम आपका मुख भी नहीं देखना चाहते। मेरी बात तो सुनो मित्र। मित्र, तुम जैसा विश्वासघाती मित्रता तो दूर, समीप खड़े होने के भी योग्य नहीं है। चले जाओ यहां से। आप अन्यथा समझ रहे हैं देवराज। तो अन्यथा ही सुन लो। माता पार्वती के क्रोध और श्री महागणेश के प्रहार से तो तुम बच निकले, परंतु मेरी क्रोधाग्नि क्षण मात्र में तुम्हें भस्म कर देगी। विश्वासघाती कुबेर, स्वयं अदृश्य होकर तुमने अपना जीवन तो बचा लिया, अब मैं तुम्हारे भय से जन्मे भयासुर को दंडित करने जा रहा हूं। इस मूर्ख राज की मूर्खता को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। श्री महागणेश की आराधना करके इसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, परंतु मैं कुछ करूंगी तो ये उत्तेजित हो जाएगा। कोई और उपाय सोचना ही पड़ेगा। अब उपाय सोचने की आवश्यकता नहीं है दैत्य माता। इस दुष्ट भयासुर का काल देवराजेंद्र इसके समीप आ चुका है। तेरा इतना साहस कायर भीरू इंद्र, कि तू दैत्य माता के समीप आने का दुस्साहस कर सके? लौट जा यहाँ से। मैं यहाँ रहने नहीं आया दैत्य माता। इस दुष्ट को दंडित करके मैं स्वर्ग लौट जाऊंगा। तुझे दंडित किए बिना नहीं छोड़ेगा। दैत्य माता, क्यों मुझसे बैर करती हो? ये तो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध श्री महागणेश की आराधना कर रहा है। इसे रोक कर तो मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं करूंगा। स्वार्थी इंद्र, तू क्या मुझे मूर्खा समझता है? आज ये भले ही दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में आकर श्री महागणेश की आराधना कर रहा है, परंतु कल ये मेरी आज्ञा का सम्मान अवश्य करेगा। चला जा यहाँ से, अन्यथा मेरी दैत्य शक्तियाँ तुझे भस्म कर डालेंगी। तुम मेरी माता की बहन हो, इसलिए मैं तुम पर प्रहार नहीं करना चाहता। बार बार मुझे क्रोधित करने का प्रयास ना करो। तुझ जैसे कायर और भीरू का क्रोध मैं भली भांति जानती हूँ। जिन देवताओं का तू राजा है वो तक तेरा सम्मान नहीं करते, तुझे स्वार्थी और अवसरवादी कहते हैं। तूने मेरी दैत्य शक्तियों को ललकारा है, अब देख उसका परिणाम। दैत्य माता, समझने का प्रयास करें। यदि तूने अपनी दुष्टता पर अंकुश नहीं लगाया तो मैं तेरे लिए काल से भी विकराल बन जाऊंगी। ओम श्री महागणेशाय नमः। अरे मंदबुद्धि, यदि तुझे आराधना ही करनी है तो परम पिता ब्रह्मा जी की आराधना कर। वो मेरे पितामह हैं, वो एकमात्र ऐसे महान देवता हैं जो युगों से दैत्यों और असुरों को वरदान देते आए हैं। मैं तुझे भी उनसे मनचाहा वरदान दिलवाऊंगी। दैत्य शत्रु महागणेश की आराधना का त्याग कर, मैं कहती हूँ त्याग कर। अब मैं तुझे दंडित किए बिना नहीं रहूंगी। तू दैत्य माता दिति की आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकता। Yeah.
ऑपरेशन कराना चाहती हो दीदी? इतना अधिक लांछित और कलंकित होने के बाद भी तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुलती दीदी? माता, मैंने आपको पहले से ही सावधान किया था कि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी भी नहीं छोड़ता। ये दैत्य माता नहीं, भयानक दैत्य नहीं है। ये वह शेरनी है जो भूख लगने पर अपने ही पेट से जन्मे बच्चों को चबा चबा कर खा जाती है। अपनी मर्यादा ना भूल गजमुख, अन्यथा अन्यथा क्या कर लोगी तुम? दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तुम पर विश्वास करके तुम्हें यहाँ भेजकर जो भूल की थी, अब मुझे उस भूल को सुधारना ही होगा। तेरे जैसी राक्षसनी पृथ्वी लोक पर रहने के योग्य ही नहीं है। मुझे योग्यता की शिक्षा ना दे गजमुख, चला जा यहाँ से, अन्यथा मेरा क्रोध तुझे दंडित करने में संकोच नहीं करेगा। किस किस को दंडित करोगी तुम? हर बार तुम्हारा क्रोध तुम्हें ही दंडित कर देता है। इस बार भी तुम्हें दंडित करने मैं उचित समय पर यहाँ आ गया। ये तो क्या कर रहा है गजमुख? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। इसी परिणाम के लिए तूने इतनी अधिक दुष्टता की थी ना, उस पर तुम्हारी चीख पुकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तो तुम्हें पुनः तारक पुत्रों के त्रिपुरों में बंदी बनकर रहना ही पड़ेगा। नहीं गजमुख, नहीं, मुझे उस कारावास में ना फेंको। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी गजमुख, नहीं जाऊंगी। वहाँ जाना ही नहीं था तो इतनी दुष्टता क्यों की? अब तो तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा दैत्य माता। कमलाक के रजतपुर में रहकर अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव आराधना करना न भूलना दैत्य माता।